नाजन इकराम, जस्टिस काजी फायजीसा ने मुल्क में जारी ला कानूनियत के खिलाफ तब्बले जंग बजा दिया। काजी फायजीसा ने गुज़िश्ता दिनों सहाफियों से गुफ्तगु करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में जारी ला कानूनियत में मीडिया हरगिज आजाद नहीं है और सहाफियों को उठाकर किस तरह बाहर फेंक दिया जा रहा है, सब कुछ सबके सामने है। वीडियो में लाता फरमाए और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम वाकया पेश आया। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है, उनकी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ कुछ बातचीत हो रही थी, तो इस दौरान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है और असल सहाफ़ियों को उठाकर बाहर फेंका जा रहा है और हर मुखालिफ और गद्दार जो है उसको हुकूमती हमायत करने वाला और महब वतन बताया जाता है, यानी कि जो मुखालिफ है हुकूमत का उसको गद्दार कहा जाता है और जो हुकूमत की हमायत करता है उसको महब वतन कहा जाता है और मुल्क को मनज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। मुझे ये कहने में आ रही कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है।